करो हीला, वो तो नहीं बचा जा सकता। सतगुरु उदों आए जदों पावर हाउस सचखंड ते बाणी दे नाले जुड़ गया। जब सुनी तुम्हारी बाणी, बाणी जब बाणी सुनी है ना उदों इह सतगुर है, उदों सुरत मिली हुई फिर छुट नहीं सकती। जिवें कोई चीज करंट होवे उहनूं लग जावे छड्डिया भी नहीं छुटदी फिर, वो जे आदमी उहदे नाल लग जावे वह खिच के ही तोड़ना पैंदा टुट नहीं सकता। सुरत उहदे नाल जुड़ जावे जिवें मैगनेट लोहे नूं फड़ लैंदा तां फड़ लैंदी है, फिर नहीं छुट सकती सुरत। तोड़ी ना टुट्टा फिर वो की है, क्यों नहीं टुटदी तोड़ी हुई? सुरत दा नहीं फड़िया होया, वो कहना हुण मैं तोड़दा टुटदी नहीं, छोड़ी ना छूटा ऐसी मारो खिंचता नहीं, इन्नी मजबूती ना फड़ लिया ओदी खिंच इन्नी है छुट्टे नहीं सकता। जोर लाल बच्चा चुमक ने फड़ ली लोहे की कोई चीज तो ओदी ओ नाली उठू जो जिदू ले जू। सतगुरु मिली ऐ सच पाया जिनी विचों आप गवाया। सतगुरु मिली ऐ सच पाया, सतगुरु ते सच की प्राप्ति होंगी है जिन्हें बिचों आप गवाया। जिन्हें बिचों आप गवाया का यह नहीं है कि पहला आप गवाया फिर सच पाया, ना 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 ना, असल दे विच हुण सच पाए तो बाद जो माड़ा मोटा आपा रह गया सी ना वह हुण गया सारा ही बाहर। जे को रहा सी ना माड़ी मोटी कित किसी खूंजे भरम की गुंजायश सी, अपनी इच्छा कोई सी, अपनी कोई मर्जी किसी किस्म की सी, जा सच पाता के ना पै गया बस वो सारा ही खत्म हो गया। जिन्ना चिर सच पाया नहीं सी उन्ना चिर भरम सी। नाम की हुंदा है, की है नुकता की है इत्थे, वो जिहड़ा सच दा भरम सी सच की हुंदा है, नाम दा भरम सी नाम की हुंदा है, वो पाए तो पता लगे भी नाम आ हुंदा, वह परम उदों ही जाणे। सारा दुनिया का भरम तीन लोग का चक्या गया, चौथे लोग वाला भरम है जिहड़ा वो देखते ही प्रमाण है जिहड़ा, वह चाहे बुझ लिया पर देखिया नहीं है, देखण दे बुझिया सी गां जाके टैली कीता, जैसा सतगुरु सुनी दा तैसा ही मैं डीट, तैसो ही मैं डीट। जे देख लिया परम तां गया, पहला सुनी दा ही सी, जे पै गया सच फिर पता लग्या वी आ सच है असल दे विच। देखे ते ही आखरी परम गया, परम का नाश तां होया जिन विचों आप गवाया। आप की सी परम है, आप सी इहदा परम करके ही आपा पैदा हुंदा आपा भावे च, जे परम है नहीं आपा भावे नहीं है, जे परम है नहीं फिर मैं नहीं कुछ हो नहीं कुछ आए ना मोरा, फिर तो ये गल है। जे परम है फिर सब कुछ मेरा ही मेरा है, फिर तू है ही नहीं। जब हम होते तब तू नहीं, तब तू नहीं, तू कित्थे है फिर, फिर तो वही मैं हाँ सारे, अब तू ही मैं ना हूं। हुण अंदर सच पै गया हुण झूठ गया, झूठ है नहीं। जिनी सचो सच बुझाया, जिन सचो सच बुझाया। हुण सारे संसार दे विच और संसार तो बाहर और अंदर सच दा ज्ञान हो गया। जे सच दा ज्ञान हो गया यह गुरमुख की अवस्था, हुण है गुरमुख की अवस्था, आ गुरमुख की अवस्था है झूठ और सच की पछाण हो जानी। गुरमुख खोटे खरे पछाण, खोटे खरे की पछाण हो जाए, ये वो अवस्था की गल है। जिन सचो सच बुझाया, संसार दे विच की सच है की झूठ है, इस अवस्था च बाणी रची है, इस अवस्था सारिया मतां दीआं खोटां दसियां ने, सुझा दिते ने, उन्हां दीआं कमियां दस के उन्हां नूं दिशाहीन कित्थों हो गए दस के फिर लैण ते लिआउण दे सुझा दिते ने। श्लोक महला पहला
ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ। ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਪੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੋਪੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਗੋਪੀ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੋਪੀਆਂ। ਪਹਿਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਬਦਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੋਪੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਮਨ ਹੈ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ। ਪਹਿਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਾਰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅਕਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅਕਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਕਾਨ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਮਨ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਮਨ ਨੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਅਕਲ, ਮਨ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਅਕਲ, ਪਹਿਨ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸੇ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਲ 'ਤੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਅਕਲ, ਮਨ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਕਾਲਸ ਨੇ ਭਰਮ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਈ ਇਹ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਅਕਲ, ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕੰਨ, ਦੇਖੋ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਕੰਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਅੱਖੀ ਦੇਖਣਾ ਰੱਜਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ